गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मायसेल्फ मोहम्मद जाहिद सर, मैथमेटिक्स टीचर, प्लस टू अग्रवाल हाई स्कूल बेलाडंस। मोस्ट वेलकम टू यू इन गया गाइडेंस प्रोग्राम विच इज रन बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट गया। प्रोबेबली वी नो दैट मैंने आप लोग को इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारे यूनिट को लेकर आया था और लगभग ट्रिगोनोमेट्री का सारे सेक्शन को मैंने खत्म कर चुके हैं। अब आज मैं आप लोग के बीच एक टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से लेकर आया हूं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माने जाते हैं। इसमें मैं आप लोग को आज बताएंगे कि वो हॉट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी ही कारगर साबित होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम लोग सेक्शन से जानते हैं कि एंगल एंड मेजर चैप्टर लेकर आया था, उसमें से आप लोग के डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते थे हम लोग। तो आइए कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए कलेक्शन है जो यहाँ आप लोग की जरूरत है समझने की। सपोर्ट कीजिए, एक आपका क्वेश्चन है 42 डिग्री एंड 30 मिनट, इट इज कन्वर्ट इन टू रेडियन। रेडियन में जब कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले हम लोग जो भी है ये आप सिंपल समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं आप लोग को फ्लैशबैक में ले जाऊं कि ये 42 डिग्री हो सकता है और जब 1 डैश होता है तो इसको हम लोग 30 मिनट पढ़ते हैं। डबल डैश होगा तो इसको 30 सेकंड कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन ओनली आपको डिग्री और मिनट में है, तो मिनट को हम लोग डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सेकंड को फिर मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग सब समझ चुके हैं कि 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। 60 मिनट मीन्स 1 डिग्री होता है और 60 सेकंड मीन्स 1 मिनट होता है। ठीक है, 60 सेकंड मीन्स 1 मिनट और 60 मिनट मीन्स 1 डिग्री। अब इसको 30 डिग्री को हम लोग 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तब हम लोग यहां देख सकते हैं कि 42 डिग्री प्लस 30/60 मीन्स 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा, मीन्स यहाँ आप डिग्री हो जाएगा, कट जाएगा। 42 प्लस हाफ डिग्री मीन्स 42 टू द 84 प्लस 1 85/2 डिग्री। अब यहाँ हमारा डिग्री में मेंटेन हो गया ये। अब इस डिग्री को हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग को ये भी बताया गया था कि पाई रेडियन 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्या जाने, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। रेडियन को कहीं कहीं आप पावर टू द 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 180 अपॉन टू द रेडियन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तब आइए 85/2 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई अपॉन 180 और यहाँ सिंबल डाल देंगे रेडियन के, तब क्या हो जाएगा ये कैंसिल होगा, काटिए 17/85 और यहाँ आगा 36/180 मीन्स 17π/72 डिग्री, यहाँ 17π/72 रेडियन हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हम लोग देखा कि किसी भी रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में डायरेक्ट रहेगा तो पाई अपॉन 180 तो करेंगे ही, लेकिन अगर मिनट में हो तो पहले उसको डिग्री में चेंज करेंगे, इवन आपका सेकंड में हो तो पहले मिनट में चेंज करेंगे, देन आफ्टर आपको डिग्री में चेंज करके रेडियन में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से एक और है क्वेश्चन आप लोग के लिए, -520 डिग्री इसको रेडियन में चेंज करना है, कुछ नहीं -520 इंटू पाई अपॉन 180 हो जाएगा और यहां लग जाएगा रेडियन, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और कटिए 13/4 से नहीं कटेगा, 2 से 26 टू द 52 एंड 9 टू द 18 मीन्स -26π/9 रेडियन। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, खास करके ये ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहला चैप्टर था जिसमें मैं आप लोग को रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के बताया था। तो टॉप 20 क्वेश्चन में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। फिर आइए एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है,
जो आपके लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। ज्यादा नहीं, इन सब क्वेश्चन में आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर फोकस करिएगा तो साइक्नोमेट्री आपका एक समराइज हो जाएगा। फाइंड द डिग्री, क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री, डिग्री एंड रेडियन मेजर, एंड रेडियन मेजर कर रहा है कि फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। सपोज देख लीजिए कि एक सर्किल हम यहां पर ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एंगल ऐसा है जो सेंटर पे सबटेंडेड है, तो आप सपोज देख लीजिए यहां एक सेंटर वो है, एक एंगल यहां पर सबटेंडेड हो जाएगा और रेडियस बाय 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर का रेडियस है। सपोज देख लीजिए ए और बी पॉइंट है, जो एंगल सबटेंडेड और सेंटर ओ, ठीक है। एंड बाय अर्क लेंथ को हम लोग एबी को बोलते हैं, इसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके एंगल जो है सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है और कितना रेडियन का एंगल बन रहा है, ये हमें फाइंड करना है। सब आपको ये बता दें कि एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन होता है। तो ज्यादातर आप स्टैंडर्ड बुक लीजिएगा या फिर इसका जो हम लोग ऐसे दैनिक जीवन में हम लोग ज्यादातर डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है, तो रेडियन में भी कन्वर्ट करना जानना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या है यहाँ पे कि एंगल जो हमारा सेंटर पे है वो डिग्री में क्या आएगा, अदरवाइज फिर रेडियन में क्या आएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला आप लोग को दिया गया था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। जहां तक आप समझ रहे होंगे कि थीटा इज द सबटेंडेंट एंगल ऑन द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल, एल इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल। तो हम लोग को जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन से हम लोग देख सकते हैं गिवन दैट कि एल इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तब हम लोग थीटा की मेजर करना है, तो थीटा जो यहां मेजर होगा, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो थीटा मेजर होगा इन द रेडियन फॉर्म में मेजर होगा, नॉट ओनली नॉट डिग्री, ये जो मेजर होगा ओनली फॉर रेडियन, थीटा रेडियन इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, तो ये रेडियन में आएगा। तो हम लोग यहाँ थीटा रेडियन कर सकते हैं इक्वल टू आ जाएगा 11/200, क्या आ जाएगा, ये रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहीं पे डायरेक्ट आंसर हो सकता है, कितना आ जाएगा 11/200 रेडियन। अब आप लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है ना, तो यहाँ पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ये क्या आ जाएगा डिग्री। नाउ थीटा इक्वल टू, अब इसको हम लोग डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो 11/200 और 1 रेडियन की वैल्यू रखेंगे तो 180 अपॉन पाई, और ये क्या आ जाएगा डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पाई की वैल्यू हम लोग मेंशन कर सकते हैं, तो 11/180 अपॉन 200/22 अपॉन चल जाएगा ऊपर 7, ठीक है। अब काटिए इसको, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 2 9 तक कैंसिल कर सकते हैं, अब तो कोई भी कटेगा नहीं, इसलिए 9 7 तक 63 अपॉन 20, ये आ जाएगा आपका डिग्री। अभी यहाँ आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, अगर बटे में एंगल आ जाए डिग्री में तो इसको आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे एंगल को आइए हम लोग को बताएं कि इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि 63 से 20 से आप डिवाइड लगा दीजिएगा, ठीक है, 20 से लगेगा 23 तक 60 हो जाएगा, मीन्स 3 आ जाएगा। अब 3 जो आ गया, यहां आया कि 3 डिग्री और 3/20 ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ये डिग्री है, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ये लग जाएगा यहाँ पर मिनट, तब क्या आ जाएगा 23 दा कट जाएगा, मीन्स हो गया 3 degree and 9 minutes, ये एग्जैक्ट हो गया। तो ये हमारा जो है
कि क्वेश्चन इस तरह से आसानी से बन सकता है कि 3 degrees and 9 minutes हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, 3 degrees and 9 minutes। अब आइए, इसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर था आप लोग का, आपका एंगल मोर देन 360 का एंगल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। 6 आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन 200 222, कितना का जितना भी चाहे उतना का आप मान निकाल सकते हैं। यहां में आप लोग को बताया गया होगा कि क्वाड्रेंट में हम लोग सेटअप करते हैं, जो भी एंगल है उसको क्वाड्रेंट में सेटअप करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में सेट करने के लिए आप लोग को हम लोग दिया था क्या कि अगर जैसे सपोज डेट कीजिए कि एक फंक्शन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ए कहलाता है, ठीक है, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये होता है। फर्स्ट जो होता है 0 degrees से π/2 के बीच में होता है, और π/2 से पाई तक सेकंड होता है, पाई से 3π/2 तक थर्ड होता है, 3π/2 से लेके 2π तक जो होता है फोर्थ होता है। और जब फिर ये सर्कुलेट कर जाएगा तो ये अगर इसके इसके बीच में होगा तो ये फर्स्ट है, 360 प्लस भी जाएगा तो जितना बढ़ जाएगा हर हाल में फर्स्ट सेकंड जहां आकर ब्रेकडाउन करेगा वो आपका एंगल उसी क्वाड्रेंट में कहलाएगा। तो आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आप लोग का कि फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, बहुत सारे एंगल है, cos 1200 degree। क्या कह रहा है कि cos 1200 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो अब हम लोग देखिए cos 1200 सपोज देख लीजिए कि 360 से प्लस है, कितना टाइम्स प्लस है उसको हम लोग इस फॉर्मूले पर अरेंज कर सकते हैं कि cos 360 × 3 ये हो जाएगा 1080 हो जाएगा। अब 1200 में या 1200 में इतना माइनस कर दीजिए, है ना, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 360 का 1080, कितना बच जाएगा 120 प्लस यहाँ 120 लिख सकते हैं इसको, यानी cos 1200 को cos 360 × 3 प्लस 120 लिख सकते हैं। अब आपकी फॉर्मूला आई, देखिए 360 प्लस थीटा जो भी आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का क्वाड्रेंट से सब ऑल आर पॉजिटिव होता है, तो cos 360 प्लस थीटा बराबर cos थीटा मीन्स हमारा आया cos 120 डिग्री, और cos 120 की वैल्यू यदि आपको पता है तो डायरेक्टली आप यहां पुट कर सकते हैं। तो cos 120 की वैल्यू आपको बताया गया होगा कि कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है -1/2, ठीक है, cos 120 की वैल्यू -1/2। अगर यहां भी अगर नहीं समझ सक रहे हैं तो और भी तरीका आसान बता देते हैं कि cos 90 + 30 कर सकते हैं, तो cos 90 + θ बराबर क्या होता है -sin θ मीन्स sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू आपको क्या पता है हाफ मीन्स -half, तो यहाँ हम लोग वैल्यू रख सकते हैं -half, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से बहुत आसानी से, मतलब आप थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अगर पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं उसमें सारा चीज को क्लियर किया गया है। मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोग के लिए आज टॉप 20 क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया, जो कि मैं पढ़ाया है जस्ट लाइक इसको समरी में आप लोग को बीच में दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, देखिए sin −660 ये सब फॉर्मूला का कमाल है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जब तक फॉर्मूला आपको कमांड नहीं होगा तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री को एक स्टेप नहीं चल पाएंगे। यहां देख लीजिए sin − θ का एक फॉर्मूला दे रखे होंगे, sin − θ क्या फॉर्मूला होता है, sin − θ बराबर −sin θ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं −sin 660 डिग्री, और 360 से कितना टाइम्स आगे है वो भी आप लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो 2 × 360 ध्यान दीजिएगा 2 × 360 तो 72 हो गया, लेकिन हमें मेंशन कितना है 672 में 660 दिखा रहे हैं, तो हम 72 में से माइनस कर देते 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, कितना ज्यादा आ रहा है
60 ज्यादा रहा तो इसको 60 माइनस कर देंगे, तब आ जाएगा 720। अब यहाँ देखिए साइन माइनस 360 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, मीन्स साइन और ये फॉर्मूला आएगा माइनस साइन 60 डिग्री, और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा फिर साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, रूट 3/2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अगर बच्चे आप चाहें कि कहिएगा कि सर ये 360 पर क्यों, और कम पर भी तोड़ सकते हैं, एक ही राउंड हो रहा है, तो वहां से भी आप जा सकते हैं, ठीक है, आप इसके लिए फ्री हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 360 प्लस कितना बचेगा 300, ऐसे भी लिख सकते हैं 360 प्लस 300 मीन्स माइनस साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन 300 हो जाएगा। अब साइन 300 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 60, है ना, फिर वही फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइएगा तो साइन माइनस 60 हो जाएगा, और फिर साइन 60 हो जाएगा, मीन्स रूट 3/2। किसी भी एंगल से आप बना सकते हैं स्वतंत्र, इसको पार्टी भी तोड़िएगा तब भी बन जाएगा, लेकिन कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा एंगल को लेकर तोड़ेंगे तो आपको जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा चैप्टर है जो टाइम विथ एक्यूरेंसी, आपको समय के अंदर और विथ एक्यूरेंसी आना चाहिए, ये हमें मैथमेटिक्स सिखाता है। अगर ये चीज जान जाइएगा तो आप मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, आप एक देख लीजिए, टेन पर भी देख सकते हैं, साइन पे दिखाया, टेन पे दिखाया, कॉस पे दिखाया, अब एक क्वेश्चन टेन पे भी आप इसी तरह से मोर देन 360 पर देख सकते हैं, टेन 900, ठीक है, टेन 900 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो इसको भी इसी तरह से टेन क्या करेंगे 3/360, कितना ज्यादा हो गया 1080 में से 900 माइनस कर लेंगे, ठीक है, कितना बचेगा 180, तो इसको माइनस 180 कर सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया, तो माइनस टेन 180 डिग्री, और टेन 180 डिग्री की वैल्यू अगर एग्जैक्ट पता है तो आप डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं, तो टेन 180 की वैल्यू क्या थी, अनडिफाइंड होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी या अनडिफाइंड हम लोग इसको कहते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है, इस तरह से माइनस हो या प्लस हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाती है, ये मतलब समझिए क्या हो गया, वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ चली जाती है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन है जो आसानी से सिर्फ एंगल निकाल के पर बना सकते हैं। अब आइए इसके जस्ट बाद अब कुछ एंगल, आपको सब एंगल पे भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, प्रूव दैट कोस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री इक्वल टू रूट 2 साइन 37। ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार ये पूछा जाता है, हमेशा जब भी आप एग्जाम दीजिए या फिर कोई सेट वगैरह बनाइए तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैं लेकर आया। अब ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरफ से भी प्रूव कर सकते हैं और इस तरफ से, यानी एलएचएस से भी प्रूव कर सकते हैं, आरएचएस से, जहां से आसान लगे या जहां से आप समझ सके वो प्रूव कर सकते हैं। किधर से आप प्रूव करना चाहोगे, अगर एलएचएस से कहोगे तो एलएचएस से भी प्रूफ हो जाएगा, आरएचएस से कहोगे आरएचएस से भी प्रूफ हो जाता है। तो प्रूफ सपोज डेट के लिए रूट 2 साइन 37 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 साइन 45 से कितना मतलब कम है 37, वो हम लोग कर सकते हैं, तो 45 माइनस इसको क्या कर सकते हैं, साइन 45 माइनस 8 डिग्री है ना, 8 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब साइन 45 माइनस 8 को हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं आसानी से, तो फॉर्मूला हम लोग के पास है, क्या फॉर्मूला है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब आइए रूट 2 वैल्यू रख दीजिए, साइन 45 की वैल्यू आपको पता है
वन अपॉन रूट टू और ये कॉस एक डिग्री हो जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू आपको पता है, वन अपॉन रूट टू साइन 8 डिग्री रख दीजिएगा, ठीक है। वन अपॉन रूट टू कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो वन अपॉन रूट टू बच जाएगा, कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री। इस तरह से रूट टू से रूट टू कैंसिल, मीन्स कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, दिस इज आर एच एस और देन आफ्टर रूट, ठीक है। इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। अगर आप चाहें सर इसको एलएचएस से प्रूफ कर दीजिए तो एलएचएस से भी आ सकते हैं, प्रूफ एलएचएस। यहाँ हम लोग आरएचएस चला था, एलएचएस लेकर आया, यहाँ एलएचएस लेकर आया, अब यहाँ प्रूफ हम लोग चलेंगे एलएचएस और आरएचएस लाएंगे, ऐसे आपका कंप्लीट हो गया आंसर यहाँ पे। लेकिन फर्दर आप चाहें सर एलएचएस से भी होना चाहिए तो एलएचएस से भी आप इसको देख सकते हैं कि कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री है ना। इसको क्या करेंगे, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हुए चल सकते हैं, यहाँ रूट टू लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको वन अपॉन रूट टू दीजिएगा कॉस 8 डिग्री और वन अपॉन रूट टू दीजिएगा साइन 8 डिग्री, हो सकता है ना। वन रूट टू तो बाहर रह जाएगा, वन अपॉन रूट टू को कॉस के सेंस में बताइए या साइन के सेंस में, जो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला डिमांड कर रहा है। तो कोस का ऑलरेडी है, साइन की वैल्यू वन बाई रूट टू के सेंस में कितना का मान होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 8 डिग्री माइनस। अब यहाँ साइन की बात है, कोस फॉर्मूला डिमांड कर रहा है तो कोस की वैल्यू वन बाई वन अपॉन रूट टू किसका होता है वो लिख दीजिए, तो लिखा जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 8 डिग्री। देन आफ्टर रूट टू ये फॉर्मूला साइन ए टू कॉस बी माइनस कॉस ए टू साइन बी मीन साइन ए माइनस बी होता है, तो ये फॉर्मूला लिखा जाएगा साइन 45 माइनस 8 डिग्री, ठीक है। अब यहां रूट टू इंटू साइन 37, ये हमारा कौन सा आ गया आर एच एस। तो इस तरह से बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस अंते आप इसको खाली समझने की जरूरत है, फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है जो हम लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन और है आप लोग के लिए इसी चैप्टर से रिलेटेड है। एक है प्रूफ डेट, प्रूफ डेट कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, ठीक है, अपॉन कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इक्वल टू कॉट 55 डिग्री ठीक है। इसको आप लोग आरएचएस से प्रूफ करना भी बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन को आरएचएस से प्रूफ करना बहुत आसान है, ऐसे एलएचएस से भी हो जाएगा लेकिन ज्यादा आसान है आरएचएस से, इसलिए आरएचएस से प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ आरएचएस कॉट 55 एकदम सेम जैसे अभी किया सेम उसी तरह से है, थोड़ी सी खाली ध्यान रखने की जरूरत है, कोट इसको 45 प्लस 10 डिग्री लिख सकते हैं 55 को, है ना। फिर कोट ए प्लस बी की फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो इसको सेटअप कर देंगे, है ना। कोट ए प्लस बी की फॉर्मूला को हम लोग सेट कर देंगे तो कोटे इंटू कॉट बी, है ना, तो कॉट 45 इंटू कॉट 10, ठीक है, माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कॉट बी, इस तरह से हो जाएगा। कोट 45 की वैल्यू हम लोग को पता है तो ये वैल्यू 1 होती है, ये कोट 10 हो जाएगा माइनस 1, ये 1 हो जाएगा और ये कोट 10 हो जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट हम लोग को आ रहा है और लाना है कोस साइन में, तो कोट को हम लोग साइन कोस में कन्वर्ट कर देंगे, तब साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉस 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री माइनस 1, 1 प्लस कॉस 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री, देन आफ्टर कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री
अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री। साइन 10 डिग्री से 10 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। मीन्स आप देखिए इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको प्लस है। दिस इज LHS रूट। तो इस तरह से आसानी से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, अब हम लोग के C+D पर, C+D का भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्रिक सेक्शन का, तो उससे रिलेटेड अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आपको सोल्व किया जा सकता है। इस सारा चैप्टर को मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया है, बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में। अगर नहीं समझ बन पा रहा है तो आप लोग गया गाइडेंस में जाइए, वहां पे आपका एक लोगो होगा, उस लोगो पे क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो का कंटेंट आ जाएगा। अगर उसके फिर जस्ट बगल में प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोग को जितने भी गया गाइडेंस के तहत वीडियो लोड अपलोड किया गया है वो सारा क्लास वाइज आपको मेंशन हो जाएगा। जैसे 11th का मैथ तो 11th का मैथ आ जाएगा, 11th का बायो, तो सारा वीडियो का कंटेंट वहां पे रखा हुआ है। इवन जैसी वीडियो आप खोलेंगे तो उस वीडियो के अंदर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हम लोग का एक जो PDF PPT जो लोडअप है उससे भी आप बहुत सारे फॉर्मूला और जो कंटेंट है वो बना सकते हैं और एक एज ए नोट बना सकते हैं। अगर इससे भी आप लोग को अगर लगता है कि कुछ कमी रह गया है तो प्लीज जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं कि सर यहां तक हम आए हैं और आगे की हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम कौन सा फाइल कैसे खोलेंगे, तो उसका भी आपको बखूबी जवाब दिया जाएगा, आपको हेल्प किया जा सकता है हमारे टेक्निकल के थ्रू या जिनका वीडियो है उनके थ्रू भी कोई आपको इस तरह से काफी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए अब ये क्वेश्चन है कि प्रूव डेट साइन 50 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री इक्वल टू, प्रूफ करना है 1 प्लस रूट थ्री अपॉन हाँ तो यहां पर देखिए कि प्रूव दैट साइन 50 साइन 40 साइन 20 प्लस साइन 10 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 2 कॉस 5 डिग्री प्रूव करना। यहां पर बच्चों क्या देखना है कि ये पेयर बनाने की जरूरत है। पेयर मीन्स 50 प्लस 10 इक्वल टू 60 हो जाएगा और 40 प्लस 20 इक्वल टू 60 होगा। तो यहां पे हम लोग इसको अरेंज कीजिए, रीअरेंज करना है की जरूरत है। प्रूफ साइन 50 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री को एक पेयर बनाएंगे प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री को एक पेयर बनाएंगे। अब यहां हम लोग साइन सी प्लस साइन डी पर दोनों फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे, तब क्या आ जाएगा 2 साइन 50 प्लस 10 यानी 2 साइन C+D अपॉन 2 इंटू cos 50 माइनस 10 अपॉन 2 प्लस यहां भी करिए 2 साइन 40 प्लस 20 अपॉन 2 इंटू cos 40 माइनस 20 अपॉन 2। इसलिए साइन सी प्लस डी पर ब्रेक किया। अब यहां जो आ रहा है उसको लिख लीजिए 2 साइन 60 अपॉन 2 मीन्स 30 डिग्री, 50 में से चेंज जाएगा 40 अपॉन 2 मीन्स कॉस 20 डिग्री प्लस 2 साइन यहां भी 30 डिग्री हो जाएगा और यहां कॉस 20 माइनस 2 मीन्स 10 डिग्री। अब यहां ये 2 साइन 30 डिग्री कॉमन हो जाएगा, बचेगा कॉस 20 प्लस कॉस 10 डिग्री। इसके बाद 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 10 डिग्री ये कैंसिल, बच गया कॉस 20 प्लस कॉस 10, फिर सी प्लस डी कॉस सी प्लस कॉस डी पर तोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 2 cos 20 plus 10 upon 2 into cos 20 minus 10 upon 2। इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला के पिक देखिए 2 cos 30 upon 2 into cos 10 upon 2 आ गया 2 cos 30 की 15 हो जाएगा और यहां cos 5 डिग्री। cos 15 की वैल्यू आपको पता है
टू इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू होती है और यहाँ कॉस 5 डिग्री हो जाएगी। तब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू और कॉस 5। दिस इज RHS एंड टू। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि C प्लस डी पर कैसे हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, और ये भी आपका C प्लस डी पर बहुत सारे दिया गया सारा डिस्क्रिप्शन को आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। एक और देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 10 डिग्री माइनस रूट थ्री अपॉन सेक 10। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। तो आप लोगों को बताया गया होगा कि इसको सबसे पहले हम लोग साइन कोस पर ब्रेक करेंगे, कारण सी प्लस डी का जो फॉर्मूला है तो वो कोस और साइन पर ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 1 अपॉन साइन 10 डिग्री के सेंस में रूट थ्री अपॉन कॉस 10 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसे एलसीएम ले लेंगे तो साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, यहां आ जाएगा कॉस 10 डिग्री माइनस रूट थ्री साइन 10 डिग्री। अब ऊपर नीचे हम लोग इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस 10 डिग्री माइनस रूट थ्री अपॉन 2 साइन 10 डिग्री। नीचे आ जाएगा तो 2 साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। अब यहां पे जो वैल्यू आएगा, एक मिनट यही 2 डाल दीजिए, 2 हाफ कोस के सेंस में है तो साइन के सेंस में यहां पर ला सकते हैं, या कोस में तोड़िए या साइन में तोड़िए, आपको कोस है तो कोस में भी तोड़ सकते हैं या अदरवाइज साइन में भी तोड़ सकते हैं। तो कोस है तो साइन यहां 30 डिग्री लेगा हाफ की वैल्यू और कोस 10 डिग्री माइनस रूट थ्री बाई टू, यहाँ कॉस के सेंस में चाहिए तो यहाँ कॉस 30 डिग्री आ जाएगा और साइन 10 डिग्री हो जाएगा अपॉन साइन 10 इंटू कॉस 10 डिग्री। फिर आइए 2 साइन 30 माइनस साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, मीन्स क्या आ जाएगा साइन 30 माइनस 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। फिर आइए 2 इसकी फॉर्मूला से माइनस होकर आ जाएगा 20 डिग्री और नीचे आ जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू साइन कॉस 10 डिग्री। अब आइए नीचे का हमारा एक फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस ए पर टूटेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो इसके लिए हमें 2 चाहिए, तो आप यहां भी लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 20 अपॉन 2 अपॉन 2 साइन 10 इंटू कॉस 10 लिख सकते हैं। 2 ऊपर चला जाएगा मीन्स 4 हो जाएगा साइन 20 और 2 साइन ए इंटू कॉस ए मीन्स साइन 2a, तो साइन 2a पे तोड़ेंगे तो साइन 20 हो जाएगा, साइन 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा मीन्स आंसर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखा कि आसानी से इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आइए, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड साइन पर भी आता है कॉस पर भी आता है और टैन पर भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है। प्रूव दैट साइन 60 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री इंटू साइन 66 डिग्री इंटू साइन 78 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 60, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए पहले भी आपको तरीका बताया जा चुका है कि सबसे पहले हम लोग इसको 2 साइन ए इंटू कॉस ए या 2 कॉस ए इंटू साइन, इस फॉर्मूले में हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के लिए प्रूफ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन 60 डिग्री साइन 42 डिग्री साइन 66 डिग्री साइन 78 डिग्री रख सकते हैं इसको, हाफ बाहर हो जाएगा। अब यहाँ हमारा फॉर्मूला जो है वो ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी फॉर्मूला जो है इस पर आप लोग रख सकते हैं, 78 है और 42 है, ऐसा रिलेशन बना लीजिए
कि एक दूसरे से जब ये प्लस माइनस हो गए तो एक वैल्यू जो है एग्जैक्ट हो गई। तो आप 66 का 6 से रिलेशन रख सकते हैं और 42 का 78 से रिलेशन रख सकते हैं। तो यहां आ जाएगा साइन 66 2 कर दीजिए इंटू साइन 60 डिग्री और बाकी जो बचेगा साइन 78 डिग्री साइन 42 डिग्री। तो यहां भी आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1/2 यहां ले सकते हैं, 2 एक पेयर बना सकते हैं। अब कंप्लीटली यहां एक 1/4 हो जाएगा और ये 2 साइन 66 इंटू साइन 60 डिग्री पर भी तोड़ सकते हैं और एक टूट जाएगा 2 साइन 78 डिग्री और साइन 42 डिग्री पर भी तोड़ सकते हैं। फॉर्मूला ये देखिए क्या है कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का एक फॉर्मूला है हम लोग का क्या कोस पर टूटता है। तो इसकी फॉर्मूला है कोस ए माइनस बी। तो ए मीन्स बड़े एंगल को रखना है और बी मीन्स छोटे एंगल को रखना है। तो बड़े एंगल हमारा पास 66 है, माइनस 6 हो जाएगा, माइनस कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी पर तोड़ेंगे तो कॉस 66 प्लस 6 हो जाएगा, एक 2 साइन ए इंटू साइन बी पर टूटा। फिर इसी तरह से सेम है त्या भी तोड़ सकते हैं, कॉस बड़े एंगल है 78 माइनस 42 और माइनस कॉस 78 प्लस 42। इस तरह से ब्रेक कर गया 1/4। फिर देख लीजिए कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 66 और 6 मिलकर 72 डिग्री हो जाएगा। यहां ये कॉस 78 है में से 42 जाएगा तो कितना बच जाएगा, कॉस यहां आ जाएगा 4, 6 7 में से 4 चला जाएगा मीन 36 डिग्री माइनस यहां ये ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 0 7 4 120 डिग्री। अब यहां जिसकी वैल्यू आप जानते हैं वो डायरेक्टली यहां पुट कर सकते हैं, पुट करके आप लोग आसानी से इसको वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं। यहां आप देखिए डायरेक्टली कोस 60 की वैल्यू आपको पता है तो कोस 60 की वैल्यू यहां रख दीजिए 1/2 हो जाएगा और कोस 72 या फिर आपके साइन 18 इसकी वैल्यू जो है मेंशन कर सकते हैं। तो यहां वैल्यू आपको बताया गया है कि √5 − 1/4 होता है। फिर कोस 36 की वैल्यू भी आपको पहले से मेंशन है तो √5 + 1/4 होता है और फिर कोस 120 की वैल्यू देखिएगा तो क्वाड्रेंट से 1/-1/2 हो जाएगा। अब सबको मेंशन कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 2 आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 2 − √5 − 1, यहां आ जाइए 4, ये √5 √5 + 1 − − + हो जाएगा और ये आ जाएगा 2, 2 यहां नहीं है, √5 + 1 + −± हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाते हैं यहां 2 आ जाएगा। फिर आइए 4/4, ये सब 1/4 × 1/4 हो जाएगा। अब आइए 2 और 1 3, यानी ये आ जाएगा 1 − √5 × इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखें 1/2, 4 एलसीएम ले लेंगे यहां 2 हो जाएगा −√5 यहां प्लस हो जाएगा तब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 − √5 और यहां आ जाएगा 3 + √5। अब आइए यहां आ गया 1/64 × यह आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी पर ब्रेक डाउन करेगा तो 9 − 5 आ जाएगा, 3² + 5 कितना आ जाएगा 1/64 × 4, 4 से एक कैंसिल हो जाएगा 1/60। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।
तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब आइए आपका एक क्वेश्चन और है साइन सी प्लस साइन डी पर। एक है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन प्रूव दैट। क्या प्रूव दैट है कि साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू फोर साइन ए साइन बी साइन सी, फोर साइन ए साइन बी साइन सी। तो यहां हम लोग साइन सी प्लस बी पर इसको ब्रेक कर सकते हैं। प्रूफ एलएचएस साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। यहां देखिए दो का हम लोग फॉर्मूला रख सकते हैं और दो को सिंपली जो है फॉर्मूले से इसको ब्रेक कर सकते हैं। आइए साइन टू ए प्लस साइन टू बी साइन सी प्लस साइन डी पर छोड़िएगा तो टू साइन टू ए प्लस टू बी अपॉन टू इंटू कॉस टू ए माइनस टू बी अपॉन टू और ये रह जाएगा साइन टू सी। फिर क्या करेंगे टू साइन ए प्लस बी क्या बचेगा ए प्लस बी बचेगा टू कॉमन हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ए प्लस बी बचेगा इंटू कॉस ए माइनस बी बचेगा और इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं तो ये टू साइन सी इंटू कॉस सी हो जाएगा। अब आइए सिंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ साइन के सेंस में है तो साइन पुट अप कर सकते हैं तो इधर भी आपका साइन हो जाएगा 180 माइनस सी तो साइन 180 साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है साइन 180 माइनस थीटा बराबर सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है इसलिए साइन सी जहां पर अब ए प्लस बी रहेगा वहां पर हम लोग साइन सी रख सकते हैं। तब ऊपर जो हम लोग गिवन रखे थे तब चलिए नाउ टू साइन ए प्लस बी के जगह पर हम लोग रख सकते हैं साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस टू साइन सी इंटू कॉस सी। या टू साइन सी कॉमन ले सकते हैं बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब यहां पर आइए कॉस सी के बदले हम लोग आसानी से रख सकते हैं इसको फिर आइए ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस सी इक्वल टू या ए प्लस बी इक्वल टू यहां आइए इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी कॉस ले लेंगे ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 180 माइनस सी। कॉस 180 माइनस सी इक्वल टू कितना होता है यहां कॉस ए प्लस बी कॉस 180 माइनस सीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो माइनस कॉस सी होगा यानी कॉस सी के बदले आप माइनस कॉस ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो यहां देखिए कॉस सी के बदले हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस ए प्लस बी तो टू साइन सी हो जाएगा यहाँ कॉस ए माइनस बी ये रह जाएगा। अब यहां कॉस सी के बदले हम लोग रख सकते हैं कि माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी पर ब्रेक करेंगे तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन ए सी प्लस डी होता है तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन टू हो जाएगा इंटू साइन डी होता है पहले ए प्लस बी माइनस सी ए और ए प्लस हो जाएगा बी अपॉन। इस तरह से टू साइन सी अब यहां टू टू चाहे तो यहां फोर कॉमन ले सकते हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां देखिए जो कैंसिल होगा काट देंगे यहां कैंसिल जो हो रहा है वो कैंसिल हो जाएगा बचा कॉम साइन टू ए बटा टू मीन्स ए
यहाँ क्या बचा 2b अपॉन 2 मीन्स साइन b, फाइनल क्या होगा 4 साइन a साइन b साइन c, दिस इज रिक्वायर्ड प्रूफ। इस तरह से देखा हम लोग आसानी से इसको प्रूफ किया। अब आइए एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए प्रूफ LHS। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन है आप लोग के, इन अ ट्रायंगल एबीसी एबीसी गिवन दैट इफ टू बी इक्वल टू ए प्लस सी देन प्रूव दैट cot a upon 2 into cot c upon 2 equal to 3। अब यहां पर आएंगे प्रूफ डैट करना है cot a upon 2 into cot c upon 2 equal to 3, तो प्रूफ LHS क्या है cot a upon 2 into cot c upon 2। ये हाफ एंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी फॉर्मूला है ठीक है, कॉट की फॉर्मूला है और कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू सब की फॉर्मूला आपको पहले से दे रखे हैं, वहां पे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए अपॉन नीचे आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी, कॉट सी के लिए आएगा तो रूट ओवर एस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी हो जाएगा। फिर आइए कंबाइन करेंगे तो एस इंटू एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी और एस माइनस ए एस माइनस बी, इसमें से जो स्क्वायर फॉर्म में आएगा वो बाहर कर सकते हैं, तो एस एस स्क्वायर फॉर्म में आ गया तो एस स्क्वायर आ जाएगा, एस माइनस बी बाहर हो सकता है। अब जो बच रहा है उसको लिख दीजिए तो एस माइनस ए और एस माइनस सी बचा, यहां देख लीजिए एस माइनस बी बाहर आया था तो एस माइनस सी और एस माइनस ए, या कैंसिल भी कर सकते थे तो ये कैंसिल हो गया, बचा कौन एस स्क्वायर बटा एस माइनस बी। अब यहां पर हम लोग को करना है कि ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है उसकी हम लोग की वैल्यू पुटअप करनी है, एस स्क्वायर में स्क्वायर तो था ही एस बाहर आएगा एस अपॉन एस माइनस बी। अब आइए एस की वैल्यू क्या जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू होती है ठीक है, तो एस की वैल्यू हम लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं, तब एस माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू माइनस बी मीन्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू बी अपॉन टू, और ये वैल्यू हो जाएगा ए प्लस